सो हे गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। जय श्री राम। और गाइस, अभी बज रहे हैं 10, सुबह के 10। वैसे मैं अपना टहल टहल के आ चुका हूँ, एंड आज दीदी भी जा चुकी है, मतलब वापस गुड़गांव। एंड हम सब लोग गए थे सुबह सुबह दीदी को छोड़ने, उसका मैं शूट नहीं कर पाया एक्चुअली। थोड़ा मतलब जिन लोग मेरे पहले से व्लॉग देख रहे होंगे उन लोग को एक चीज़ पता है कि मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम है, जो कि मेरे को गर्मियों में ही होती है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे को, मतलब नाक में और थोड़ा मतलब जैसे सांस लेने में मेरे को प्रॉब्लम होती है इस टाइम पे, अप्रैल और मई में। तो वही चीज़ हो रही है, मेरे को थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं डॉक्टर के पास भी जाएंगे हम, ठीक है। कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन हाँ शूट पूरा दिखाऊँगा आपको, दिखाऊँगा कि हाँ डॉक्टर के पास गया हूँ, क्या दिक्कत है क्या नहीं, तो सब कुछ होगा। एंड काफी टाइम बाद मम्मी व्लॉग में, ओ बड़े लोग मैं बड़े लोग, तुम बड़े लोग बड़े बड़े लोग नहीं बना रहे थे पहले भाई बहुत टाइम। इतना सच कौन बोलता है भाई, मैं बोलती हूँ। आलसी लोग, बड़े लोग। अरे आलसी नहीं है भाई, बस थोड़ा ठाट ही ऐसा है। नहीं भाई, कहीं ठाट वाट वाली बात नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं भाई, इतनी डाइट हो गई है कि एकदम शक्ल की। मम्मी यहाँ से आपको मेरी शक्ल देख के क्या लग रहा है? कमजोर। कमजोर ऐसे माँ के लिए तो हमेशा बच्चा कमजोर ही होता है, भले ही कितना खा ले या कितना भी। थोड़ा पतला हो गया है। हाँ, तो माँ के लिए तो हमेशा कमजोर ही होता है। अच्छा मम्मी, आज पोहे बनाने हैं। माँ आपने बोला था उत्पम है मेरे लिए, तेरे लिए उत्पम है लेके आ। ये पापा के लिए पोहे। बाकी अभी तो डॉक्टर के पास भी चलना है। हाँ यार, ये तेरे को एलर्जी इसमें अप्रैल होती है। वही यार, ये हमें उकड़ता है ना। दिक्कत हो जाती है थोड़ा इस टाइम मेरा। थोड़ा ये भी है कि मैं थोड़ा स्मार्ट प्ले करना चाहता हूँ, कि मैं चीजों का होने का इंतजार नहीं करना चाहता हूँ, कि मेरे को इंतजार हो, फिर उससे होता है कि सब चीजें छूट के बैठ जाती हैं, और फिर उसके बाद फिर इसको चालू करो तो फिर मन भी नहीं होता है। तो चीजें तो अभी मम्मी बना रही है पोहा, निकाल लेना। ये है, ये दाल है, ये दही है। तो वो तो दही है ना। हाँ, तो कहाँ पे है फिर? मैंने कही ना फ्रिज ही है, कोई बड़ा कमरा थोड़ी है। इसमें? यस। आपने बोला था डिब्बे में। स्टील। ये मेरा तो बन रहा है अभी, ये बना रही है मम्मी यार। अच्छा कम है ना, ऑयल नहीं होना चाहिए। चला गया मान लो तो टूट जाए। थोड़ा सा इतना भी नहीं होना चाहिए, इतना सा भी नहीं। क्या क्या है पता है मम्मी? यार हम लोग को बस खाने से मतलब है। सारी सब्जी, प्याज, अरे वैसे टमाटर, धनिया, हमारे में सब देसी। अरे वही, एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मम्मी लोग आजकल चाय नहीं पीते हैं, ठीक है। चाय जैसे वो क्या, किसकी? अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल भाई, पता नहीं क्या होता है ये अर्जुन की छाल। अरे क्या होता है क्या अर्जुन की छाल? ओ ऐसी होती है, प्रमोशन नहीं है कोई, बस ऐसी बता रहे। नहीं ये ऐसी होती है, देखो छाल होती है, मतलब पेड़ की। हाँ। पेड़ होता है तो छाल होती। भाई मेरे घर में सब ऑर्गेनिक है, सब ऑर्गेनिक। वाह, इतना करते करते तबीयत खराब हो जाती है भाई, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अरे तो भाई मेरे को आप ये बताओ, नहीं सर मेरा खाने का क्या ही हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा खाने का। इतना सा पोहा खाता वो क्या भाई? तो थोड़ा देखो, बहुत नाक तोल खाना पड़ता है। जैसे ये है, ये मेरे उसका ब्रह्मास्त्र है, इसमें मैं सब चीजें नाप तोल के खाता हूँ, कितना खाना है क्या नहीं। हाँ हाँ, आज तो पूरा टूर करवा दूंगा भाई, किचन को, मटको मटका घर में। मैं फ्रिज का पानी नहीं पीते, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ बाय द वे। फ्रिज का नंबर मैंने जब से कोरोना हुआ। हम तो बॉटल ही नहीं रखते, हम पहले रखते थे बचपन में मम्मी। अरे भाई, मैं भाई बर्फ बर्फ कच्ची बर्फ खाता था यार उस समय भाई, मेरा ऐसा होता था, और फिर मेरी तबीयत ऐसे होती थी, सांस फूलती थी फिर मेरी।
प्यारा दूध जिसको मैं पी नहीं पा रहा हूँ जीवन। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ऐसा मोह माया है, तो करना है क्या है, करो या चॉकलेट बिस्किट खाओ, केक खाओ, क्या ही करना है। अरे मम्मा ये लड़ाई मेरी खुद से है। मम्मी वैसे काफी टाइम बाद हो गया, 8 किलो वजन कम करना छोटी बात नहीं। कितना टाइम लगा? हो गया एक से एक डेढ़ दो महीना होना। बहुत एक रोटी दो रोटी छोटी छोटी तो मम्मी का शुरू में तो एकदम ऐसी मोटी मोटी बनाती थी, फिर मैंने बहुत बोला एक डेढ़ हफ्ते तक मम्मी पतली पतली पतली, तब जाके क्या मैंने कागज खा ले। मैंने कहा दो खा ले, थोड़ी मोटी मोटी बना दो। हाँ। वही चीज है तो इसलिए मेरा मेरे जैसे ये होता है, मेरा ऐसे सुबह का ब्रेकफास्ट मैं ही बनाता हूँ। हाँ दोपहर में मैं खाना खाता हूँ घर का, और रात की भी नींद मेरी खुद की रहती है। फिर मेरे को पता है अगर मम्मी रहेंगी अरे खा ले मैं भी भूख के मारे आए ठीक है दे दो मेरे को। और एक तो मेरे साथ हमेशा एक चीज होती है कि जब मैं फैट लॉस है इस चीज पे जाता हूँ, तभी घर में इतनी सारी चीजें आती हैं बिस्किट नमकीन ओ हो क्या आया बताओ। हाँ नहीं खाते बताओ क्या है, क्या है? हाँ। अब बता दूँ मैं, फिर बोलना मत। बता दूँ ये क्या है, ये क्या है, मेरे फेवरेट बिस्किट है ये। नहीं मैं भाई दिल है दिल जो कि मानता नहीं भाई मेरे, हमारे लिए तो देखो इसमें मेरा इसमें गुड़ है, गुड़ की ऐसे है यार ब्राउन शुगर। तो भाई मैं तो जब जैसे खाना खाता था तो खाने के बाद थोड़ा सा एक चम्मच ये खा लिया करता था, तो उससे मेरा थोड़ा ये भी जाता कि हाँ थोड़ा मीठा भी खा लिया, उससे कोई शरीर में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। वरना मम्मी मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ये तो नहीं, जैसे जो वो कौन सा आता है ब्रिटानिया का, हाँ जो ब्रिटानिया कौन सा आता है क्या? अरे ब्रिटानिया का नहीं आता ऐसा ही। अच्छा बिस्किट। हाँ वो बॉर्बन। भाई साहब मैं एक एक पैकेट खा लिया करता था, मतलब जब पहले तो इतना नहीं रहता था, अब पता चलता है कि भाई कितना खाता था यार। चलो भाई यहाँ मेरा स्पॉन बन गया और अभी मैं बनाऊंगा ओट्स, जिसमें मैं लूंगा 50 ग्राम ओट्स। हाँ अब यहाँ पे मम्मी अपना बनाएंगी जो है पोहा, इसको कहते हैं टमाटर। अच्छा। इसको कहते हैं प्याज, धनिया, मिर्ची, कड़ी पत्ता। पापा तोड़ रहे बाल। तो अभी मेरा तो बन चुका है और अभी मैं खाऊंगा 50 ग्राम ऑफ ओट्स एंड 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। और जो मैं ओट्स को उबालता हूँ, ये देखो कड़ी पत्ता भी आ गया, आ गया ताजी ताजी कड़ी पत्ता फूट के आ गया। निकाल नफरत है मेरे को। अच्छा तो गाइज मैं डॉक्टर के पास से आ चुका हूँ एंड मतलब कोई ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि ये जो है ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि मेरे को सांस नहीं आ रही है एंड मैं थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सो मतलब ऐसी डिजीज़ टाइप की है जो मेरे को मतलब हमेशा हर साल होती ही है, तो कुछ दिन की है होता है मेरे को। तो इस बार तो ये था कि मैं मतलब हमेशा जैसे अभी तक इस बार तो मेरे था कि मेरे को थोड़ा थोड़ा होने लग गया, तो मैंने उस चीज़ को पहले ही दिखवा लिया डॉक्टर से, तो मैंने काफ़ी पहले ही अपना ट्रीटमेंट चालू करवा लिया। तो उससे ये रहता है कि आगे के दिन वेस्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि फिर वो चीज़ खिंचते खिंचते महीनों चली जाती है, और प्लस ये चीज़ और ना बढ़े। तो डॉक्टर ने एक और चीज़ कह दी है कि अभी आप 4-5 दिन जिम नहीं जा सकते हो। मेरा दिमाग ख़राब हो गया ये सुन के, क्योंकि जो कि मतलब ठीक है यार, क्योंकि भाई देखो मतलब क्योंकि वही है ना 4-5 दिन। अब मैं तो मेरे को तो पता है इसके प्रॉब्लम्स कहाँ तक जा सकते हैं,
क्योंकि अगर मैं अभी नहीं रुका तो वो ये प्रॉब्लम जाते 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 मेरा महीना 2 महीना भी खींच सकती है, और अगर 2 महीना खींच गई तो फिर वही इलाज में छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सब खराब, कुछ भी नहीं, जो अभी मेरे पास बचा हुआ है तो 4-5 दिन से बढ़िया, बड़ी मतलब 2 महीने से बढ़िया तो 4-5 दिन है मेरे, तो अभी यही है कि मैं 4-5 दिन जिम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अप्रॉक्स 5 दिन मैं जिम नहीं कर सकता हूँ, एंड उसके बाद वो भी एकदम से एक्सट्रीम नहीं, धीरे 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 नॉर्मल से चालू करना पड़ेगा, 1 हफ्ता नॉर्मल, फिर उसके बाद अपना, हाँ अपना डाइट वाइट पूरे मैंने उनसे पूछा, वॉक कर सकते हो, डाइट कर सकते हो, और एप्स की तो ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें सांस फूलने के चांसेस नहीं रहते हैं, तो मैं अपने ऐप्स करूँगा घर पे ऐप्स करूँगा, कार्डियो करूँगा, वॉक्स मैं अपने कर ही रहा हूँ, तो ये सब कुछ करूँगा, तो हाँ घर पे करना पड़ेगा भाई। देखो मैं वही है ना, जितना घर पे कर सकता हूँ उतना करूँगा, तो वही सब चीज़ें हैं। एंड थोड़ा हाँ, और अभी मैंने दोपहर में दवाई ली थी, उसका मैं सो गया था क्योंकि भाई मेरे को 3-4 दिन से प्रॉब्लम हो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई थी और मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैं आके फिर फाइनली सोया। अभी तो अब ठीक भी लग रहा है कहीं ना कहीं। ये देखो जैसे मैं आपके सामने अभी सांस ले रहा हूँ, अब उस समय मेरा ऐसा हो गया था कि डॉक्टर सामने जब मैं ऐसे सांस ले रहा था तो मेरे को ऐसे हो जा रहा था, मतलब मैं सांस भी सही से नहीं ले पा रहा था, और ये मेरा स्टार्टिंग स्टेज है, ये मेरा स्टेज है जिससे मेरे को पता चल जाता है, तो यही था कि मैंने सही टाइम पे वो चीज़ कर दी, इसलिए 4-5 दिन बता रहे हैं, वरना मैं महीने भर के लिए जाता। तो यही चीज़ है कि मैंने इस बार लापरवाही नहीं रखी, और मैंने सोचा कि इस चीज़ को पहले ही मैं देख लूँ, कोई बात नहीं 5 दिन 6 दिन रेस्ट करना पड़े कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि उससे बढ़िया है, ठीक है मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ, बाकी डाइट वाइट में अपना सब कुछ ले रहा हूँ। तो गाइस इतना ही था आज के व्लॉग में, मेरे को पता आज का व्लॉग भी ऐसे ही खाली खाली है, लेकिन प्लीज़ यार भाई प्लीज़ यार थोड़ा सा समझ जाओ यार बस, क्योंकि एक बार मेरी तबीयत सही हो जाए आपके पास बहुत अच्छे अच्छी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ, बाहर भी जाने वाला हूँ, सब कुछ करने वाला, ठीक है। तो आई एम सॉरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बार व्लॉग में भी कुछ ज़्यादा नहीं था, बट नेक्स्ट व्लॉग से थोड़ा सा लेट हो जाए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, और किसी अपने एक दोस्त के साथ को भी शेयर कर दो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, पीस एंड जय श्री राम।